हेलो जी सत श्रीकाल जी आप सबका स्वागत है सिमर की किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी अगर घर पर कुछ भी ना हो तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो सिर्फ दस मिनट में आइए बनाते हैं प्याज शिमला मिर्च की टेस्टी सी सब्ज़ी उसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च प्याज को हमें क्यूब्स में काट लेना है ऐसे करके चौरस आप अपनी मनपसंद भी काट सकते हो और एक कढ़ाई में हम डालेंगे घी वन टेबल स्पून उसमें डालेंगे जीरा जीरा हमारा अच्छे से तड़क जाए साथ ही हम डालेंगे अदरक लहसन का पेस्ट इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे ताकि अदरक और लहसन का कच्चापन ना रहे ये देखिए हमारा अदरक और लहसुन अच्छे से भून चुके अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज बारीक कटे हुए और इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जितनी देर हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं उतनी देर हम फ्राई पैन में एक डालेंगे टू टेबल स्पून घी और हमारे प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से सोटे कर लेंगे वो पकाना है थर्टी परसेंट हम इसको कच्चा रखेंगे जैसे हल्का सा सोटे करेंगे इसका जो शिमला मिर्च और प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें हमारे पैस ये हो चुके हैं अब इसको हम रख देंगे साइड पे और हमारी जो प्याज है वो भी काफ़ी अच्छे कलर आ चुका है उसमें अब हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी और अच्छे इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे टमाटर है जो अच्छे अच्छे सॉफ्ट नहीं हो जाते अब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले लाल मिर्ची पाउडर हाफ टेबल स्पून सूखा धन धनिया काली मिर्ची हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर के साथ ही हमारे मसाले हैं जो अच्छे से भून जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा सा डालेंगे हम पानी ताकि जो हमारा हम मसाला ताकि अच्छे से भून जाए इसे दो मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे हम ये देखिए हमारा मसाला है साथ के साथ थोड़ा थोड़ा हम चलाते रहेंगे मसाले ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने अब हम तो इसकी ग्रेवी बनाएंगे मसाले की थोड़ा सा पानी डालेंगे आधा कप पानी डाल इसकी ग्रेवी बना लेंगे और इसे उबाला नहीं देंगे ये देखिए हमारी ग्रेवी है जो बनकर तैयार है अब इसमें हम डालेंगे घर की फ्रेश मलाई इससे टेस्ट काफ़ी क्रीमी आ जाएगा फ्रेंड्स और घर रखी चीज़ों से हम बना रहे हैं तो कुछ भी हमें बाजार लेके आने की ज़रूरत नहीं है इसे एक उबाल आने देंगे हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना सिर्फ एक उबाल आने देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी ग्रेवी तैयार है अब इसमें हम डाल देंगे हमारे शिमला मिर्च और प्याज जो सोटे किए थे और अच्छे से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लें ये देखिए हमारी सब्जी बन कर तैयार है कि क्रीमी सी सब्जी बन कर तैयार है वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए